फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं मैक्रोनी पास्ता। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये बच्चों और बड़ों को सभी को अच्छा लगता है और बनाने में बहुत ही ईजी है। ये फटाफट बन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिप्रा सक्सेना। आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन रेसिपीज। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टिंग 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 वाले बेल बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले मैक्रोनी। ये लिए मैंने 2 कटोरी। वेजिटेबल ऑयल ये मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच। एक मीडियम साइज का टमाटो, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। 1 मीडियम साइज की ओनियन ली है, इसको मैंने चॉप कर लिया है, लेकिन इसको थोड़े बड़े पीसेस में चॉप किया है। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, 1 ग्रीन चिली ली है फाइनली चॉप करी हुई, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, वेज मेयोनी, यहाँ मैं गार्लिक मेयोनी का यूज़ कर रही हूँ, आप अपने पसंद के किसी भी फ्लेवर मेयोनी का यूज़ कर सकते हैं, टमाटो सॉस 1 बड़ा चम्मच। मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए हम सबसे पहले मैक्रोनी को बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने गैस की फ्लेम ऑन करके और कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया है। अगर हम 2 कटोरी मैक्रोनी ले रहे हैं तो उसके लिए हमने 4 कटोरी ही पानी बॉईल करने के लिए रखा है। देखिए फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें मैक्रोनी को ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम 1/2 छोटा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे, जिससे मैक्रोनी चिपके नहीं। किसी स्पैचुला की हेल्प से इसको थोड़ा सा चला देंगे। और इसको बॉइल्ड होने देंगे। जैसे 90% कुक हो जाएगी, हम इसकी बॉइलिंग रोक देंगे और इसको स्ट्रेन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैक्रोनी को उबलते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये करीब 90% कुक हो चुकी है। अब हम इसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे। मैक्रोनी को छान कर हमने धो लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। इसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे कढ़ाई में। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम चॉप्ड ओनियन ऐड करेंगे। थोड़ा सा स्लाइड करेंगे इसको, ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। ओनियन थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, इस समय हम टमाटो ऐड करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच हमने सॉल्ट यहाँ ऐड करना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट हम अभी इसलिए ऐड कर रहे हैं, इससे जो वेजिटेबल्स हैं वो जल्दी कुक हो जाती हैं, वो सॉफ्ट हो जाती हैं। चॉप ग्रीन चिली ऐड करेंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हम इन सबको अच्छे से चला लेंगे। टमाटो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें टमाटो सॉस ऐड करेंगे। टमाटो सॉस हमने 1 बड़ा चम्मच ऐड करना है। टमाटो सॉस ऐड करते समय हम गैस की फ्लेम को स्लो कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच गार्लिक मेयोनी ऐड करेंगे। इसको धीरे से चलाएंगे।
ताकि ये सॉफ्ट और मैंने आपस में मिक्स हो जाए। देखिए एक अच्छी पास्ता सॉस तैयार हो गई है। अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। मैक्रोनी को अच्छी तरीके से चला देंगे। हमने मैक्रोनी को 90% कुक किया था और इसलिए हम इसको लो फ्लेम पे लिड बंद करके 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे ये अच्छे से कुक हो जाएंगी और जो हमारे मसाले और सॉस हमने डाली हैं वो ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगी और एक अच्छा क्रीमी टेक्सचर देंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैक्रोनी पास्ता को बनते हुए ऑलमोस्ट 2 मिनट हो गए। अब हम इसको लिड को ऑन करके थोड़ा सा तेज फ्लेम पे चलाएंगे। और इसको सर्व कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें और अच्छा फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा बटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है। बटर ऐड करने से ये थोड़ी सी रिच हो जाती है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म मैक्रोनी पास्ता तैयार है। इस डिश को आप अपने घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना एब्सोल्युटली फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।